पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की राजनीति को चौपट करने के बाद एकनाथ शिंदे का अगला निशाना अब शरद पवार और उनकी पार्टी एनसीपी है। एकनाथ शिंदे ने पहले उद्धव की शिवसेना से बगावत की और अधिकतर विधायकों और सांसदों को अपने पाले में करते हुए भाजपा के साथ मिलकर राज्य में सरकार बनाई, लेकिन अब बारी शरद पवार के किले एनसीपी को भेदने की थी और एकनाथ शिंदे ने शरद पवार को तगड़ा झटका तब दिया जब जलगांव में एनसीपी के सैकड़ों कार्यकर्ता शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए। खास बात यह है कि शिंदे का यह दांव एनसीपी के कद्दावर नेता एकनाथ खड़से के लिए बड़ा झटका है। एकनाथ खड़से पहले भाजपा में थे लेकिन 2020 में वो एनसीपी में शामिल हो गए थे, पर शिंदे गुट की शिवसेना और बीजेपी की राज्य में नई सरकार द्वारा एकनाथ खड़से को एक के बाद एक कई झटके मिल रहे हैं। जिले के बोडवाड़ तालुका के सालसिंगी गाँव के सैकड़ों एनसीपी कार्यकर्ता शिंदे समूह में शामिल हो गए, तो वही मुक्ताई नगर के विधायक चंद्रकांत निम्बा पाटिल ने भी एकनाथ शिंदे पर भरोसा किया और शिंदे गुट में शामिल हो गए। बता दें कि मुक्ताई नगर को एकनाथ खड़से का गढ़ माना जाता है, लेकिन चंद्रकांत पाटिल और खड़से परिवार के बीच पिछले कुछ दिनों से विवाद अपने चरम पर पहुंच चुका है। आखिरकार अब चंद्रकांत पाटिल के शिंदे गुट में शामिल होने के बाद खड़से के खिलाफ मोर्चा खुल गया। राजनीतिक जानकारी से शरद पवार और एनसीपी के लिए बहुत बड़ा झटका मान रहे हैं। गौरतलब है कि महज दो दिन पहले शिंदे समूह और भाजपा गठबंधन सरकार ने एकनाथ खड़से को बड़ा झटका दिया था। तब खड़से की पत्नी की अध्यक्षता वाली जिला दुग्ध सहकारी समिति में पिछले दिनों हुई अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की जांच के लिए सरकार की ओर से एक कमेटी का गठन किया गया था। वहीं मौजूदा संचालक मंडल को बर्खास्त कर जिला दुग्ध संघ में प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है। जिला दुग्ध संघ के पूर्व मंत्री और पूर्व सुरक्षा अधिकारी नागराज पाटिल ने जिला दुग्ध संघ के प्रशासन में अनियमितता और इस दुग्ध संघ में कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया में भारी कदाचार की शिकायत सरकार से की थी। शिकायतकर्ता नागराज पाटिल ने कहा कि पूर्व की महाविकास अघाड़ी सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन नई सरकार ने शिकायत का संज्ञान लेते हुए इस मामले में 5 सदस्यीय जांच समिति नियुक्त की है। बता दें कि जलगांव जिले में एकनाथ खड़से का एकमात्र जिला दुग्ध संघ था। हालांकि शिंदे और भाजपा गठबंधन सरकार ने इस जगह के कुप्रबंधन की जाँच के लिए एक समिति नियुक्त की और दूसरी ओर मौजूदा निदेशक मंडल को बर्खास्त कर दिया और तुरंत एक प्रशासक नियुक्त कर दिया। इसे एकनाथ खड़से के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि इससे एकनाथ खड़से की मुश्किलें और बढ़ेंगी, जो पहले ही कई दौर की जांच में सामने आ चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।